हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पी वाई पी और पी ई वी में। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो ऑनलाइन प्रवेश ऑनलाइन प्रश्नों की अपेक्षित आधारित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का जो हमारा एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसकी आंसर की या उत्तर पुस्तिका आज जारी कर दी गई है। गाइज, आपको बता दें कि ये लिंक आज से 3 दिन तक ओपन रहेगी। यह लिंक आप अपनी प्रोविजनल ऑफिशियल पी ई वी की ऑफिशियल साइट पर अर्थात प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। मतलब जो आपने एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखा था और आपने क्या क्लिक उस पर किया था और क्या उसका सही आंसर की है, इसको हम आंसर की बोलते हैं। तो अब ये दिमाग में आता है कि इसको हम अपनी उत्तर पुस्तिका को कैसे देखें। तो गाइज, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर जाना होगा और इस पर आपको गूगल पर सबसे पहले पी ई बी लिखना होगा। जैसे ही आप पी ई बी लिखेंगे, आपको फर्स्ट पेज प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड आइकॉन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस आइकॉन पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर ऐसा पेज खुला मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश किसी भी आइकन पर क्लिक कर लेना है। मैंने यहाँ पर हिंदी आइकन पर क्लिक किया। इसके बाद आपको नवीनतम सूचनाओं में नंबर फर्स्ट पर लिखा मिलेगा ऑनलाइन प्रश्नों पर अपेक्ष प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020। इस पे आप इस एक लिंक ओपन हो जाएगी। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है तो आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें नंबर फर्स्ट पर आपको क्लिक करना है प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 डेटेड 29/03/2021। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार पेज पर जंप कर जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 2 बॉक्स मिले हैं। इन बॉक्स में आपको पहले बॉक्स में आपको अपनी रोल नंबर को पुट करना है और सेकंड में आपको टीएसी कोड अंकित करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ आपका रोल नंबर क्या है और आपका टीएसी कोड क्या है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड ओपन करना है। जो आपका कटिंग वाला पोर्शन आपको वहां से मिला था सेंटर के बाहर, तो उसको आपको देखना है। सबसे ऊपर वाला ये है जो हमारा फर्स्ट नंबर पर रोल नंबर आपको वहां डालना है और टीएसी नंबर जो आपके आधार कार्ड क्रमांक के नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर टीएसी कोड जो अंकित है इसको पुट करना है। आप अपना यहाँ से रोल नंबर और टीएसी कोड को देख लीजिएगा और आप यहाँ पे रोल नंबर और टिकट कोड को जैसे ही डालेंगे और आप यहाँ लॉगिन आइकन पर क्लिक किएगा करेगा तो आपकी आंसर की पीडीएफ फॉर्म में खुल जाएगी। उसमें लिखा रहेगा जो सही उत्तर है या जो गलत उत्तर है, आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया है, ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन का आंसर सही और आपने क्या लगाया है वो पता चल जाएगा। अगर आपको फर्दर उसमें कोई आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत आया है या उसका सही आंसर ए होना चाहिए लेकिन उन्होंने बी आंसर माना है, मतलब सही आंसर कुछ और था लेकिन एग्जामिनर ने कुछ और माना है, तो इसके लिए आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपको बता दें कि हर प्रश्न के लिए आपको ₹50 का पेमेंट करना पड़ता है। साथ ही साथ इसकी जैसे ही आप ऑब्जेक्शन लगा देते हैं तो उस शिफ्ट के सभी लोगों के लिए वो ऑप्शन शो होने लगता है कि इसकी आपत्ति पहले ही दर्ज की जा चुकी है। तो अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत आया है और उसका आंसर गलत है तो उसके रिगार्डिंग आपको आपत्ति दर्ज करनी पड़ेगी। आपत्ति के लिए आपको ₹50 का उस क्वेश्चन के लिए पेमेंट करना होगा। उसके बाद ये और आपको ये भी याद रखना है कि जो ये आंसर की है आज से आगामी 3 दिन के लिए जारी की गई है। आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी है कि अपनी जो आपत्तियां दर्ज करने के लिए, और यहाँ पर आप क्लियर पढ़ सकते हैं कि जो आपकी आपत्ति है वह हमें 3 दिन के लिए ली जाएगी। अर्थात 3 दिन तक ये लिंक ओपन रहेगी, 3 दिन के बाद ये लिंक बाय डिफॉल्ट हट जाती है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर रोल नंबर और आपका टीएसी कोड डाल के इस लॉगिन करके अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी क्या गलती है उसको चेक कर सकते हैं। गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जो भी यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ वो एजुकेशन के रिगार्डिंग या अपकमिंग एग्जाम के रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।